Hello students, welcome to English class. Today we are going to study our chapter 2, The Beauty of Difference. First we will read the hard words and then we will continue with the chapter. Your first hard word is relatively, in comparison to. मतलब संबंधित, किसी से संबंधित. Farsi, official language of Iran. ईरान की राष्ट्रीय भाषा. Escorted, accompanied someone, किसी व्यक्ति से या विशिष्ट अवसर पर किसी से संबंध, विशेष अवसर पर किसी के साथ किया जाने वाला व्यक्ति का व्यवहार या संबंध. इंसिस्टेड, डिमांडेड समथिंग फोर्सफुली, आग्रह करना, आग्रह करना. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. शिरीन वॉज स्टिल अ रिलेटिवली यंग गर्ल व्हेन हर पेरेंट्स सेंट हर अवे फ्रॉम हर होम इन तेहरान टू लिव इन अ बिग सिटी इन इंग्लैंड कॉल्ड लंदन. शिरीन अभी छोटी है और जब उसके पेरेंट्स उसको, उसका घर जो थी तेहरान में है, वहां से उसको इंग्लैंड के लंदन शहर में भेज रहे हैं रहने के लिए. शिरीन डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू लिव विद हर कजिन्स इन इंग्लैंड. शिरीन को इंग्लैंड जाकर अपने कजिन्स के साथ रहने का आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है. बट हर मदर टोल्ड हर इट इज बेस्ट लिटिल वन, It is no longer safe here and you will have an exciting new life in England and you will make all kinds of new friends. उसकी मम्मी ने उसे कहा है कि ये अच्छा है प्यारी बच्ची कि तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना अब इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है. और यहाँ से मतलब इनका तेहरान में, और वहाँ पर उसको एक आकर्षित नर खूबसूरत नई जिंदगी मिलेगी और वहां पर उसके नए नए दोस्त भी, अलग प्रकार के नए दोस्त भी बन जाएंगे. लिटिल शिरीन वॉन्टेड टू क्राई बिकॉज ही लव्ड हर मदर एंड फादर वेरी मच. छोटी शिरीन रोना चाहती है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है. एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव देम, और वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती. ऑल्सो ही डिड नॉट नो हर कजिन्स एट ऑल, और साथ ही वो जो कजिन उसके इंग्लैंड में रहते हैं वो उनको अच्छी तरह से जानती भी नहीं है. They had only visited once and Shirin was too little to understand what they were saying because they did not speak Farsi. ले वो एक सिर्फ एक ही बार उनके घर पर आए थे, कभी एक आध बार, जब वो शिरीन बहुत छोटी थी उस वक्त, और वो उनकी भाषा को समझ भी नहीं पाती थी. वो जो भी इंग्लिश में बोलते थे, क्योंकि वो फारसी नहीं बोलते थे, वो अपनी भाषा में बोलते थे जो कि शिरीन के समझ में नहीं आती थी. Which Shirin thought was very strange indeed. जबकि जो कि शिरीन को बहुत ही अजनबी सा लगता था या वो भाषा उसके लिए बहुत अनजान थी. And so the day arrived and Shirin's mother and father drove her to the airport where she would be escorted onto the plane by her auntie. वहाँ से अब शिरीन, फिर वो दिन आ गया जिस दिन शिरीन को जाना था, और वहाँ से उसके मम्मी और पापा उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने आए हैं, जहाँ से आगे एयरपोर्ट के मतलब प्लेन में वो किसी आंटी के साथ सफ़र करने वाली थी, उसको वहाँ से उसकी आंटी साथ में ले जाने वाली थी. आई एम स्केर्ड सेड शिरीन एज हर फादर एंड मदर वॉक्ड हर टू द लिटिल बूथ वेयर द मैन वुड लुक एट हर पासपोर्ट एंड चेक हर टिकट. जब उसके मम्मी पापा उसे किसी एक छोटे से बूथ, जहाँ पर कि लोगों के पासपोर्ट और टिकट चेक होते हैं, उस बूथ पर ले जा रहे थे, उस समय जाते वक्त शिरीन ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है. हाउ कैन यू बी स्केर्ड आस्क्ड हर फादर, उसके पापा ने पूछा तुम कैसे डर सकती हो. आरंट यू अ ब्रेव, द ब्रेव लिटिल गर्ल who was never afraid when the bombs could be heard dropping on the city. And aren't you the girl who always insisted that we take you to school every day even when the other little girls were too afraid and stayed at home with their parents. उसके पापा ने कहा कि तुम कैसे डर सकती हो, तुम वो बहादुर लड़की नहीं हो जो कि जब भी शहर में बमबारी होती है तब भी बहादुरी से, उसकी आवाज़ से, बम की आवाज़ से नहीं डरती हो और बहादुरी से रहती हो, या जब बमबारी होने के बाद दूसरी लड़कियां डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहती पर तुम रोज स्कूल जाना चाहती हो, तुम ऐसी बहादुर लड़की हो, तुम कैसे डर सकती हो. दैट्स डिफरेंट सेड शिरीन, दिस इज माई होम, उसने कहा शिरीन ने कि वो अलग बात है, ये मेरा घर है. शिरीन्स मदर नेल्ट डाउन बिसाइड द लिटिल गर्ल एंड हग्ड हर एंड स्ट्रोक्ड हर हेयर. शिरीन की मम्मी घुटनों के बल उसके पास बैठ गई, उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, शी सेड टू हर डॉटर,
आई नो दैट यू विल मेक अस प्राउड लिटिल वन एंड डोंट यू वरी सून योर फादर एंड आई विल कम टू इंग्लैंड एंड यू कैन शो अस ऑल ऑफ द थिंग्स यू टू सी इन लंडन आई बेट यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इवन बेटर देन यू डू ऑलरेडी एंड यू कैन टीच मी सम न्यू वर्ड्स। उसकी मम्मी ने उसके पास बैठते हुए उसको कहा कि बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मुझे पर मैं आई नो यू कि तुम मुझे गर्व महसूस करवाओगी और चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं या और तुम्हारे पापा इंग्लैंड में तुमसे मिलने आएंगे और इंग्लैंड में तुम हम लोगों को वो सारी चीजें दिखाना जो लंदन में देखने जैसी हो और तुम हमें वहां पर घुमाने ले जाना। आई बेट यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इवन बेटर देन यू डू ऑलरेडी एंड यू कैन टीच मी सम न्यू वर्ड्स। और मुझे पता है कि तुम तब तक इससे भी अभी जो बोलती हो उससे भी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगी और मुझे इंग्लिश के कुछ नए नए शब्द सिखाओगी। शेरिन लाइक द आइडिया ऑफ टीचिंग हर मदर न्यू वर्ड्स बिकॉज शेरिन थॉट दैट हर मदर वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। शेरिन को ये नए वर्ड सिखाने का आइडिया उसकी मम्मी का उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको पता है उसको वो ऐसा सोचती है कि उसकी मम्मी दुनिया में सबसे ही क्लेवरेस्ट चालाक या इंटेलिजेंट लेडी है पूरी दुनिया में वाइड वर्ल्ड इतने बड़े जहान में। आई सपोज आई कुड डू दैट सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा कि मैं सपोज करती हूँ कि मैं ये कर दूंगी। एज हर आंटी टुक हर हैंड एंड एक्सप्लेन दैट इट वॉज टाइम टू गेट ऑन द एयरप्लेन बिफोर इट फ्लू ऑफ विदाउट देम। उतने में उसकी आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको समझाते हुए कहा कि चलो अब हमें चलना चाहिए नहीं तो प्लेन हमें लिए बिना ही उड़ जाएगा। ओके इट इज इनफ फॉर टूडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।